हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश यादव और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल गणेश यादव जीएसटी एक्सपर्ट में। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि टैली का डेटा सीए को किस तरह से सेंडम करते हैं, यानी टैली हम मंथली रिटर्न भेजते हैं उसके लिए कई अकाउंटेंट क्या करते हैं, सीधे टैली का डेटा भेज देते हैं उनको, सबसे सफिशियंट वो लगता है और सीए उनकी टैली ओपन करके डायरेक्ट GSTR 1 या 3 भी फाइल कर देते हैं जो ऑटोमेटिक ऑप्शन उसमें होता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि केवल और केवल, जैसे मान लीजिए आपको GSTR 1 ही फाइल करनी हो, पूरा डेटा आप दिल्ली का सीए को ना भेजना चाहते हो, केवल रिटर्न आपकी भेजनी हो, तो वो कैसे भेजे, उसके लिए मैं आपको GSTR 1 हम कैसे तैयार करते हैं और किस तरह से हम सीए को उसका डेटा भेज सकें वो इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली में बाहर आ जाते हैं एक बार और डिस्प्ले स्टेचुअरी रिपोर्ट GST में जाके हम GSTR 1 को ओपन कर लेते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है GSTR 1 का डेटा सीए को कैसे भेजे, क्योंकि कई में टैली 25 MB से ऊपर हो जाती है तो जीमेल में डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होता है फाइल का, इसलिए GSTR 1 या 3 भी केवल आपको ये एक ही चीज़ भेजनी है तो उसको कैसे भेजे। देखिए मैंने मंथ अपना सेलेक्ट कर लिया है जिस महीने की मुझे रिटर्न भेजनी है, उसके बाद में देखिए साइड में एक्सपोर्ट GSTR 1 लिखा हुआ है, उस पर आपको एक्सपोर्ट करना है और इसको डायरेक्ट जेसन फाइल, दो फाइल बना सकते हो आप, एक्सेल सीट में बना सकते हो आप। सीए को एक्सेल सीट अगर भेजना चाहते हो तो सीए उसको पहले ऑफलाइन टूल आता है GST का, उसमें जेसन फाइल क्रिएट करेंगे उसके बाद वो रिटर्न फाइल करेंगे। इसके बजाय आप डायरेक्ट जेसन फाइल ही बना के उसको सीए को भेजिए ताकि फाइल डायरेक्ट अपलोड हो जाए। आपने चेक कर लिया कि आपकी सही है कि नहीं है डेटा, फिर आप यहाँ पर जेसन फाइल सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए ऑटोमेटिक GSTR 1 मेरी जो है जेसन फाइल में कन्वर्ट हो गई है और इसको मैं एक्सेप्ट करते हुए बाहर आ जाऊंगा। तो देखिए मेरी जो जेसन फाइल है वो बन चुकी है। अब मुझे अगर सीए को ये फाइल भेजनी है, ये मेरी GSTR 1 की फाइल है, मैं डायरेक्ट जेसन फाइल बना रहा हूँ ताकि सीए उस जेसन फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर देंगे GST पोर्टल पे। अगर आपको केवल GSTR 1 ही भेजनी है या 3 भी भेजनी है तो हम इस तरह से भेज सकते हैं, पूरा डेटा भेजने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये मेल करके बताता हूँ। देखिए मैंने अपनी मेल आईडी ओपन कर रखी है, उस करते हैं, मैं अपनी ही मेल आईडी पे वापस भेज देता हूँ इसे और नीचे डाल देता हूँ टू मी, जिससे हमें याद रहेगा कि हमने क्या भेजा है। या अटैच पे हम जाएंगे और डी ड्राइव में जहां मेरी GSTR 1 जहां सेव हुई थी, टैली RP9 जहां मेरा टैली का पाथ बना हुआ है वहां, ये देखिए 9 तारीख को ये मेरी GSTR 1 जैसन फाइल में तैयार हो गई। इसको हम ओपन कर लेंगे और ये देखिए इस तरफ ये सेलेक्ट हो जाएगी ये, और इसको हमें सेंड कर देना है। ये मेरे सेंडिंग का ऑप्शन आ चुका है, देखिए फाइल सेंड हो रही है। अब मैं अपने अगर इनबॉक्स में जाके देखूं, क्योंकि मैंने खुद को ही मेल करी है, तो ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर आ गई है मी यानी टू मी, यानी मैंने खुद को ही वो फाइल भेजी है। आप इसको जैसे ओपन करेंगे ये देखिए GSTR 1 का डेटा यानी जेसन फाइल आपके पास ऑटोमेटिक है। इस जेसन फाइल को सीए डायरेक्ट GST पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि अगर एरर आपने 3B में GSTR 1 को देखते टाइम अगर कोई एरर चेक नहीं किया तो वहां वो एरर आ जाएगा। एक्सेल शीट से भेजते हैं तो उसे वो ऑफलाइन टूल में डालेंगे, फिर जेसन फाइल बनाएंगे और जेसन फाइल को अपलोड करते हैं। जहां डेटा ज्यादा होता है वहां एक एक बिल अपलोड नहीं किया जाता है, वहां जेसन फाइल ही अपलोड होती है। तो हमें इस तरह से जेसन फाइल भेजनी है, ठीक है। अब ये GSTR 1 भेजने का सबसे सिंपल तरीका है। अगर इस वीडियो में आप लोग कोई क्वारी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में या कल या परसों में GSTR 3B डायरेक्ट हम कैसे सीए को भेजे 3B का डेटा, हमें डेटा पूरा टैली का नहीं भेजना हो, तो वो मैं उसमें बताऊंगा। अगर कोई क्वारी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उसका आंसर आपको या आपका रिप्लाई मैं उसका तुरंत दूंगा, या मेरे पास जैसे भी टाइम होगा मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।